नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ हनी सहगल। हम इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पे, जहां पे ऑल इंडिया एनसीएलपी स्टाफ एसोसिएशन के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इनका धरना प्रदर्शन केंद्र सरकार के खिलाफ है और इनका मानना है कि केंद्र सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार जो जो कदम उठा रही है वो इनके पक्ष में नहीं है और इनको काफी ज्यादा दिक्कतें नरेंद्र मोदी की सरकार से आ रही है। आइए दिखाते हैं आपको पूरी रिपोर्ट के क्या कहना है इन लोगों का और आखिर क्यों ये धरना प्रदर्शन दिल्ली के जंतर मंतर पे किया जा रहा है। हमसे ऑल इंडिया एनसीएलपी का जो स्टाफ एसोसिएशन ऑफ एनसीएलपी है उससे सेक्रेटरी हूँ। हम लोग देश भर में जो एनसीएलपी चलते हैं इसके बारे में तो काफ़ी सारे दिक्कतें आ रही के वजह से हम लोग आज ये जंतर मंतर में धरना प्रदर्शन करने वाले कर रहे हैं। क्या क्या दिक्कतें हैं कि हमारे जो चल रहा है, जो एनसीएलपी चल रहा है, एनसीएलपी में जो स्टाफ जो है उसको महिंदा 35-0 मतलब किसी से 6 महीना, किसी से लगे 54 महीना तक उसको मानदा नहीं मिलता है। एक नया गाइडलाइन ला दिया 2014 के बाद से, जो गवर्नमेंट चेंज होने के बाद से जो गाइडलाइन अभी आया है, गाइडलाइन जो आया है उसमें काफ़ी सारे चेंज लाए हैं जिसके लिए हमारे नौकरी पर खतरा में आ गया। अभी सोचिए जो 2 महीना के लिए अभी बच्चे को, जो एक चाइल्ड लेबर बच्चे है जिसको हम लोग उठा के सर्वे के द्वारा जो हमारा पास आता है, वो बच्चे को हम लोग पढ़ा हो के एक नया रेगुलर स्कूल में उसको डालते हैं, वो बच्चे को देखने के लिए कम से कम 3 साल चाहिए। केंद्र सरकार भी उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, केंद्र सरकार उसको जो नीति बना रहे हैं डेली नीति चेंज कर रहे हैं, इसके वजह से हम लोग को कोशिश में आ रहे हैं। पहले जब 1996 में चालू हुआ था हम लोग को टीचर के रूप में दिखा जाता था, आज 2016 में जो आके बोल रहा है अब टीचर नहीं है, वॉलंटियर टीचर है। मेरा नाम सुशीला यादव है, मैं पश्चिम बंगाल की बर्दवान जिले से आती हूँ। हम लोग बाल श्रम में काम करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। अच्छा, ये धरना प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है? केंद्र सरकार ऐसी कौन सी दिक्कतें कर रही है जिनको आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? केंद्र से हमारे डीएम साहब ने बताया है कि 1996 साल से हमारा वहाँ पे बाल श्रम स्कूल चल रहा था। अभी उन्होंने जो कि 5 साल में एक बार सर्वे होता था, 5 साल तक बच्चों को पढ़ाया जाता था, फिर उन्हें हाई स्कूल में भर्ती करते थे। हम लोग अभी उन लोगों का कहना है कि 2 साल के बाद जितने बच्चे हैं सभी को हाई स्कूल में भर्ती कर दीजिए, स्कूल को बंद कर दीजिए, उसके बाद सर्वे कीजिए। सर्वे हमारे पास आएगी, हम लोग उसका सेंक्शन करेंगे, उसके बाद फिर से स्कूल रीओपन होगा। बहुत से जगह पर जब रीओपन होने की बात आ रही है तो वो बोलते हैं पुराने स्टाफ को निकाल के हम नए स्टाफ निकालेंगे। इसके खिलाफ हमारा प्रदर्शन है, हमारी मांगे हैं कि हमारा स्कूल कंटिन्यू चलना चाहिए, क्योंकि भारतवर्ष से चाइल्ड लेबर खत्म होना, बाल श्रम खत्म होना नामुमकिन है। क्योंकि जिस डीएम साहब कहते हैं कि हमारे यहाँ बाल श्रम खत्म हो चुका है, उसी ऑफिस में बच्चे चाय लेके जाते हैं, तो ये तो उनको देखना चाहिए। हमारा वेतन 7,000 रुपया है और वो कहते हैं कि रोज एंड्रॉइड सेट से आप लोग ऑनलाइन अटेंडेंस कीजिए। हमें 12 महीने में एक बार वेतन दिया जाता है, कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट में 56 महीने तक, 36 महीने तक, 14 महीने, 2 साल तक हमारा मानदेय ये लोग बोलते हैं, जो कि सम्मानिक भी एक सम्मानजनक होना चाहिए। 7,000 रुपये से कोई सम्मानजनक नहीं होता, वो भी हमें 1 साल के बाद मिलता है। वो मैं एनसीएपल स्कूल जो हेडमिस्ट्रेस है, वो मेरा प्रॉब्लम है, वो 2 साल हो चुका वो स्कूल बंद हो गया। मेरा ऐसे कैसे होगा, स्कूल कैसे खोलेगा, यही प्रॉब्लम लेकर ही आएंगे। ये जो आपका प्रॉब्लम है कितने सालों से? उन लोग का 2 साल वाला बंद हो गया, अभी नहीं ये खोलने कैसे खोलेगा, वही प्रॉब्लम लेकर ही हम आ रहे हैं। आप जैसा कि कह रहे कि मैं उड़ीसा से हूँ और उड़ीसा के वहाँ नवीन पटनायक है, वो मतलब राज्य सरकार के द्वारा आपको कोई हेल्प किया जा रहा है? कुछ हेल्प नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं। उन लोग का बोलने से वो होगा, वो तो नहीं सर्विस, वो तो लोग का क्या करेंगे ना, उन लोग का वो जो बच्चा लोगों को, उन लोग का बार बार हमें मेंस्टिप कर दिया, उन लोग को फिर तो मेंस्टिप कर देने का बाद पूर्ण सर्वे करना पड़ेगा, वो किसे सर्वे, बार बार कितना बच्चा मिलेगा, वही प्रॉब्लम है। और मेरा प्रॉब्लम ऐसे हुआ का जो स्कूल चल रहा है परमानेंट होगा, उन हमको वो जो
पेमेंट बढ़ने के लिए, इसीलिए हम इसे हम लोग 15-16 साल से काम कर रहे हैं। हम लोगों का मानदेय बहुत ही कम है, एक सामान्य मजदूर की मजदूरी 600 रुपए, हम लोग 233 रुपए में काम कर रहे हैं। हम केंद्र सरकार से ये चाहते हैं कि वो हम लोगों का समायोजन प्लस मानदेय बढ़ा दे, है ना। और अगर केंद्र बंद भी होते हैं तो वहाँ जो हम लोग 15-16 साल से काम कर रहे हैं तो हम लोगों को प्राथमिकता दें रखने में। अभी तक तो केंद्र सरकार कुछ नहीं कर रही है, इसीलिए हम लोग आए हैं, अनशन पर जो है रैली लेकर आए हैं कि केंद्र सरकार सुने और हम लोग का मांग को पूरा करे। मोदी जी जो बोल रहे हैं कम से कम करके दिखाएं तो हम लोग भाई संतुष्ट हैं, लेकिन बोलते कुछ हैं करते कुछ है तो हम लोग संतुष्ट कहाँ से होंगे। तो इसलिए हम लोग जो है कि धरना पर बैठे हैं कि हम लोग की मांगे पूरी की जाए। मैं सिद्धाराम उमरानी, ऑल इंडिया एनसीएलपी स्टाफ एसोसिएशन का प्रेसिडेंट। आज हम लोग भारत में चलने वाले 21 राज्यों से 272 जिलाओं में जो सेंट्रल लेबर मिनिस्टर की ओर से नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट जो चलाया जाता है उसमें हम 1995 से काम करते हैं। केवल मात्र 800 रुपये से मानधन से यहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं। तब से लेके आज तक केवल मात्र हमारे मानदेय में बढ़ोतरी करके केवल 7000 रुपया दिया जाता है। दूसरी ओर गवर्नमेंट को मेरा कहना है कि रेगुलर जो स्कूलें चलती है उसमें जो काम करते हैं उन टीचरों को 7 पे लगाया गया है, लेकिन हम लोगों को हमारे मानदेय में कुछ भी बढ़ोतरी नहीं की जा रही है। सरकार कोई भी हो, सरकार की नीतियां ही ऐसी बनी हुई है कि यहाँ पे जो मजदूर है, कामगार है, कर्मचारी है, किसान है, इन सभी के लिए जो धोरण बनाए गए हैं वो सभी गलत धोरण बनाए गए हैं। उसमें से तो कहर हो गया कि 2014 से लेकर आज तक जो यहाँ पे गवर्नमेंट सेंट्रल मिनिस्ट्री में आई है इसकी तो नीतियाँ ये जो बाल मजूरी प्रथा के खिलाफ रही है, इसमें काम करने वालों के खिलाफ ही चलाई जा रही है। इसके तहत हम लोगों ने आज ये नई दिल्ली में एक दिन का धरना प्रदर्शन रखा गया है। अगर सरकार आज कुछ सुनती नहीं है तो इसके बाद हम लोग और धरना जो है, धरना नहीं उसके बाद अनशन में बैठेंगे। हम टीचर इंचार्ज है और हम लोग जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उन्हें इसका कोई सिस्टम नहीं। हर डिस्ट्रिक्ट में, हर स्टेट में अलग अलग रूल से काम कराया जाता है। स्टाफ लोग को सही से पेमेंट नहीं मिलता है। जैसे हम लोग का मांग है कंटिन्यू 2 साल के बाद अब वो बंद कर देता है, सर्वे होता है फिर चालू करता है। तो इसीलिए हम लोग चाहते हैं जैसे हम लोग कंटिन्यू काम कर सकते हैं। हम लोग का उम्र भी गुजर चुका, 40 साल पार हो गया। तो हम लोग जो असली हम लोग का टाइम था वो टाइम हम लोग एनसीएलपी में बिता दिए हैं और आज हम लोग कहाँ जाएंगे। इसीलिए इस मांग कर रहे हैं जैसे हम लोग जॉब सिक्योरिटी हम लोग को मिले, मान जैसे हम लोग को तनख्वाह भी मिनिमम 21,000 रुपया मिले, यही सब चाहते हैं हम लोग। मेरा नाम मनोज ठाकुर हो गया, मैं मधुबनी जिला से बिलोंग करता हूँ, मेरा बिहार गांव पड़ता है और मैं बिहार से चल के मैं यहीं पे आया हूँ दिल्ली में ताकि धरना में भाग ले सकूं। दूसरी बात है कि आज तक हम लोग जितने दिनों हम ड्यूटी किए हैं उतने दिन का हम लोगों का पैसा नहीं मिला है। और ना आज तक जो है ना सरकार के थे, हम लोग बहुत हर बार गए हुए हैं, डीएम साहब से भी बात करते हैं तो उल्टे सीधे बोल करके हम लोगों को वहाँ से उतार दिया जाता है, हम लोगों का आवाज कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। मैं पश्चिम बंगाल पूर्व वर्धमान डिस्ट्रिक्ट आया हूँ, मैं एक इंस्ट्रक्टर है एनसीएलपी का। हम 1996 से है, हमारा इंस्ट्रक्टर रूप खड़ा हुआ है जब चल रहा है। मैं एक नेशनल अवार्डी हूँ, नेशनल यूथ अवार्डी भी हूँ और ये एनसीएलपी में चल रहा था तब ठीक था, लेकिन बाद में जितने एक दफ़ा आते हैं अब स्कूल बंद करने के लिए ये लोग कोशिश कर रहा है। हम लोग का वहाँ बहुत स्टूडेंट है, पढ़ाई करके बहुत
बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ करा। अभी भी सर्विस में भी है, हमारा स्टूडेंट भी सर्विस में भी है, स्कूल की पढ़ाई करने के बाद अभी भी चल रहा है। लेकिन क्यों कोशिश कर रहा है स्कूल बंद करने के लिए, क्यों हम लोगों का तंग करना है, क्यों क्यों ये सब कर रहा है, हमको अलग नहीं है। ये विरोध आप ममता बनर्जी के खिलाफ कर रहे हैं या नरेंद्र मोदी के खिलाफ? नहीं, हम लोग का ममता बनर्जी के विरोध भी है, हम लोग नरेंद्र मोदी के विरोध भी है। कि नरेंद्र मोदी इसलिए है, ये सेंट्रल वो लोग बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट हम लोगों का कुछ हेल्प नहीं कर रहा है, कुछ भी हेल्प नहीं कर रहा है।